दोबारा बरेली में लगने वाला है भाई, वही दुबई सिटी कार्निवल दोबारा लगने वाला है। ये आप लोगों ने देखा होगा पिछली बार जब मेला लगा हुआ था। गाइस पहली वीडियो होगी मेरी भाई, ये तो कॉपी छोड़ो कहीं के कुछ नहीं लग रहा था। यहाँ पर ना बुर्ज खलीफा के टुकड़े टुकड़े हुए पड़े हैं। एक भाई से पूछा था कि मेला कब स्टार्ट हो रहा है, तो वो ये कह रहे हैं हेलो गाइस कैसे आप सभी लोग, आई होप सभी अच्छे होंगे। तो अगेन आ गया एक और ब्लॉग के साथ। तो गाइस यार आप लोगों को पता चल गया होगा कि मेरा एक सेकंड चैनल था और वो डिलीट हो गया यार। कल से मैं बहुत ज़्यादा उदास था, मैं सोच रहा था क्या करूँ क्या ना करूँ। मैंने लोगों से पूछा कि मुझे सेकंड चैनल बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, तो बहुत लोगों ने कहा है बनाना चाहिए। तो मैंने सोचा अब होली हो जाने दो, होली के बाद एक नया चैनल बनाएंगे जो जीरो से स्टार्ट करेंगे। ये तो हमारा जिस पे ब्लॉग आ रहा है ये तो हमारा चलेगा ही चलेगा, और एक हम अपना पर्सनल चैनल बनाएंगे जिसमें हम अपनी पर्सनल वीडियोज़ डाला करेंगे और जो आप बताओगे वही डाला करेंगे। तो गाइस वो तो चलो बात की बात है, आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो गाइस आप लोगों ने देखा होगा कि दुबई कार्निवल लगा था बरेली में, और भाई किस किस को उसमें मज़ा आया था और किस किस को लग रहा था कि ये दुबई जो कार्निवल मेला लगा हुआ है वो एकदम असली दुबई जैसा लग रहा था। मतलब जो दुबई बनाई गई थी ना, उन्होंने बुर्ज खलीफा बनाई गई थी वो बिल्कुल रियल लग रही थी। आज फिर से दोबारा बरेली में लगने वाला है भाई, वही दुबई सिटी कार्निवल दोबारा लगने वाला है यार। और गाइस मेरे को एक हमारे सब्सक्राइबर भाई हैं, उन्होंने मेरे को बताया था कि देखो दुबई सिटी कार्निवल मतलब मेला जो है दोबारा लगने वाला है और वो एक नई लोकेशन पे लगा हुआ है। तो चलो लोकेशन तो हम बाद में रिवील करेंगे, पहले हम आपको दिखाते हैं गाइस उसकी तैयारी। और हम देखने वाले हैं गाइस जैसे पिछली बार जो बुर्ज खलीफा लगा था, क्या इस बार जो बुर्ज खलीफा है वो उससे बड़ा है या छोटा है, वो देखने अभी चलते हैं। अभी बस ग्राउंड के बाहर ही खड़ा हूँ, बस अंदर चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या तैयारी हो रखी है। अभी मैं आ गया हूँ ग्राउंड के अंदर, और यहाँ पर ना देखो ये आप लोगों ने देखा होगा पिछली बार जब मेला लगा हुआ था तो ये ऐसे कुछ था मेले के अंदर, इस बार भी लग रहा है मेरे को ऐसी ही थीम है। और आप कमेंट करके बताना गाइस पिछली बार आपको अच्छा लगा था या नहीं लगा था, आप वो तो आपके ऊपर आप बताओ अच्छा लगा था नहीं लगा था। देखो यहाँ पे ये तैयारी चल रही है, यही बनेगी हमारी बुर्ज खलीफा, यानी कि यहाँ से गेट बनना शुरू होगा, यहाँ से पूरा गेट बनेगा वहाँ तक। मेन गेट है ये देखो, ये है मेन गेट, यहाँ से एंट्री होगी। और ये देखो यहाँ पर गाइस, देखो यहाँ पर ये शायद दुकानें बन रही हैं, ये ट्रेन वाला झूला है। और हमारे जो बुर्ज खलीफा वो बिल्कुल उस बिल्डिंग के एंड में, बिल्कुल लास्ट में, बिल्कुल उधर लास्ट में, वो हम आपको दिखाएंगे। पहले इधर का टूर देख लेते हैं कि कितना काम शुरू हो गया है और कितना क्या काम चल रहा है इसमें। झूले तो होते ही हैं मेले में, यहाँ पर देखो ट्रेन वाला जो झूला है ये लग चुका है, ये झूला लग चुका है। गाइस पहली वीडियो होगी मेरी जो बता रहा हूँ मैं सबको। और यहाँ पर देखो ब्रेक डांस वाला झूला, ये भी लगेगा झूला, ब्रेक डांस वाला ये भी लगा है। ये देखो ये झूला लगा है और यहाँ पर झूला लगा है, आई थिंक मुझे लग रहा है 10 या 15 दिन के बाद ही लगे मेरे ख्याल से, आई थिंक होली के बाद। अभी मतलब तैयारी शुरू ही हुई है। देखो काफ़ी सारे जो झूले जो है ना वो ऐसे पड़े हुए हैं, मुझे तो लग रहा है कम से कम 10 दिन तो लग जाएंगे, होली के बाद तक लग जाएंगे। और सामने देखो बुर्ज खलीफा है, और ये देखते हैं चल के गाइस कि बुर्ज खलीफा पिछली बार से अच्छी है या नहीं। भाई पिछली बार मैं अपनी बताऊँ ना तो भाई लिटरली मेरे को तो मज़ा ही नहीं आया था, बिल्कुल बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया था मेरे को। अब इस बार देखते हैं गाइस मज़ा आने वाला कुछ है या नहीं, क्योंकि भाई देखो मुरादाबाद में जब लगी थी ना भाई वो थी बुर्ज खलीफा, भाई वो थी बुर्ज खलीफा, उसमें लगा था बहुत बढ़िया लग रहा था, वो लग भी रही थी कि हाँ भाई लग भी रहा था गाइस कि वो बुर्ज खलीफा की कॉपी है। भाई ये तो कॉपी छोड़ो कहीं के कुछ नहीं लग रहा था, लेकिन इस बार हम देखते हैं गाइस कि क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा। और यहाँ पर देखो कुछ शॉप्स वगैरह भी बन रही हैं यहाँ पर, ये पता नहीं क्या है, एक लग रहा है वो गोला बनेगा जिसके अंदर मैंने फ़ोटो खिंचाई थी पिछली बार जब लगा हुआ था, मैंने भी एक पिक्चर क्लिक कराई थी वो गोल वाला। थोड़ी बहुत थीम अगर चेंज होती ना तो मज़ा आएगा गाइस। बहुत देर से घूम रहा हूँ ना, अब मेरे ध्यान अभी पड़ा है ये एक बॉक्स सा रखा हुआ है बहुत बड़ा, ये एक बहुत बड़ा बॉक्स रखा हुआ है। अब गाइस इसके अंदर पता नहीं क्या होगा भाई, डबल डबल पन्नियों से ढका हुआ है और पूरा का पूरा ठोस है पूरा, पता नहीं क्या है इसके अंदर, मुझे लग रहा है कुछ यूनिक चीज़ हो, क्या पता गाइस कुछ यूनिक चीज़ हो। अभी तो बन जाएगा उसके बाद पता चलेगा, कम से कम 10 दिन बाद तो ये बनेगा मेरे को लग रहा है, होली होली के बाद ही कहीं तैयार होगा। ऐसा लग रहा है ना कि जैसे जो मेला वहाँ लगा हुआ था ना उसी का ही सारा मटेरियल यहीं आ गया है। ये देखो सारे जो झूले वूले हैं ये मैंने देख रखे थे, ये देखो सारे झूले हैं, ये पता नहीं क्या बहुत ठोस है, मुझे लग रहा है ये शायद वो बच्चों को खेलने वाला झूला है जिसमें हवा भर के खेलते हैं। ये वैसे सारा झूला वूला सब यहीं रखे हुए ढक रखा है। गाइस अभी मैं दिखाता हूँ आपको बुर्ज खलीफा पास जाके, देखते हैं कितनी बड़ी है। आई थिंक गाइस मुझे लग रहा है इसमें ना दो दो नाव वाले झूले लगेंगे, दो ही तो है नहीं, एक नाव वाला है गोल वाला है। हाँ हो सकता है यार, ये नाव वाला है ये गोल वाला है, अभी बनने के बाद पता चलेगा, मुझे तो यही दोनों लग रहे थे। हाँ तो मैं भी ये कह रहा हूँ ये नाव वाला है ये गोल वाला है, वो तो गाइस बाद में पता चलेगा जब पूरा रेडी बन जाएगा तब पता चलेगा। अभी डेट उट मेरे को नहीं पता चली कब ये लगने वाला है, अभी कोई भाई वगैरह मिलेंगे तो उनसे पूछूंगा कि भाई ये कब तक रेडी होगा। अभी मैं आ गया बुर्ज खलीफा के पास जो मेन अट्रैक्शन होता है मेले का। तो गाइस यहाँ पर ना बुर्ज खलीफा के टुकड़े टुकड़े हुए पड़े हैं, ये देखो
टुकड़े टुकड़े हुए पड़े हैं गाइज। ये इतनी बड़ी है आई थिंक यार, ये और ज्यादा बड़ी तो होगी नहीं। काश गाइज यार मुरादाबाद वाली जो लगी थी ना बुर्ज खलीफा, काश ये उतनी बड़ी होती। देखो गाइज यहाँ पर से सब टुकड़े टुकड़े पड़े हुए हैं और काश ये बड़ी हो ना। अभी देखो ये सब टुकड़े टुकड़े पड़े हुए हैं, ये देखो सारे के सारे टुकड़े पड़े हुए हैं। अब देखो कुछ फर्क दिख रहा है पीछे कितनी बड़ी है ये देखो। अब आपको कुछ फर्क दिख रहा है कि कितनी बड़ी है कितनी बड़ी नहीं है? गाइज मेरे को तो वही लग रहा है उतनी बड़ी है, ये वैसे ही पहले से जैसा गेट है उतनी बड़ी है, कोई फर्क नहीं जतिन। गाइज यहाँ का जो काम है ना भाई बहुत ज्यादा जोरों शोरों से हो रहा है, क्योंकि गाइज अभी मैं जब आया था ना यहाँ पर वीडियो बनाने के लिए तो यहाँ पर ना जैसे कि दुकानों पे ना टीन वगैरह नहीं लगी थी और इतनी जल्दी 1 2 3 4 5 6 दुकानों पे भाई टीन लग गई। ये देखो 1 2 3 4 5 6 दुकानों पे टीन लग गई। इसका मतलब गाइज मुझे लग रहा है ये ना बहुत जल्दी काम इसका शुरू हो जाएगा और होली के अगले दिन या होली के 2-4 दिन के बाद ये स्टार्ट हो जाएगा मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि अभी तक तो बुर्ज खलीफा ही नहीं बनी। ये देखो टुकड़े पड़े हुए उसके, ये देखो एक टुकड़ा ये पड़ा है, एक टुकड़ा ये पड़ा है, वो पड़ा है, वो पड़ा है, वो पड़ा है, हर जगह तो टुकड़े टुकड़े पड़े बुर्ज खलीफा के। ये देखो आई थिंक शायद ये और ऊँची चली जाए। मैंने अभी ना एक भाई से पूछा था कि मेला कब स्टार्ट हो रहा है, तो वो ये कह रहे हैं 22 तारीख को भाई मेला स्टार्ट हो जाएगा। भाई 22 तारीख को मेला स्टार्ट हो जाएगा, मुझे लगा यार कम से कम 10 दिन तो लगेंगे ही लगेंगे, लेकिन नहीं यार 22 तारीख को कह रहे हैं कंफर्म हमारा मेला तैयार हो जाएगा। मैंने कि भाई बहुत सारा काम है, बोले यार ये चुटकियों में काम हो जाएगा, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, 22 तारीख को मेला स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पर देखो भाई लोग लगे हुए भी हैं बुर्ज खलीफा को बनाने में। ये देखो यहाँ पर भाई तैयारी चल रही है, इसका मतलब जल्दी जल्दी तैयारी हो रही है। वही तो मैं कहूँ इसलिए यहाँ पर टीन वगैरह सब कुछ लगा दिया, सब कुछ लगा दिया। भाई 22 तारीख को जो रेडी हो जाएगा, भाई 22 तारीख को आना मेला देखेंगे, ठीक है? मैं तो ये सोच रहा हूँ एक बार बहुत ज़्यादा अच्छी लगे और काफ़ी लोग गाइज आना, या तो मैं ही आऊँगा और मैं ही वीडियो बनाऊँगा और देखेंगे गाइज कि अच्छी है या नहीं अच्छी है। तो गाइज अभी क्या करते हैं, अभी का ब्लॉग हम यही खत्म करते हैं। ब्लॉग अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और गाइज वीडियो को लाइक करके जरूर रखना या सेव कर लेना, बाद में आपको पता चलता रहा कि भाई दुबई मेला कहाँ लगा हुआ है, ठीक है गाइज? तो फिर गाइज आज का ब्लॉग मैं यही खत्म करता हूँ। ब्लॉग अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं गाइज अगले किसी ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।